Okay, Sajan, so now I'm going to start our technical staff interview for BRC staff interview training category 1, and you are up to material science, correct? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Okay, Sajan, so first of all, tell me how you define phase. Gibbs phase rules padha hai? हाँ यस सर, गिब्स फेज रूल पढ़ा है सर। गिब्स फेज रूल एक इक्वेशन होता है, पी प्लस एफ इजकल टू सी प्लस टू, इट मीन्स पी इजकल टू सी माइनस एफ प्लस टू। ये बताता है सर कि हमें जो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए किया जाता है। तो पी क्या है इसमें? पी पी सर फेज है, एफ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सी हमारा कंपोनेंट है और ये दो क्या होता है? टू सर। ये इन नंबर ऑफ कंपोनेंट इनवेरिएबल इनवेरिएबल बोला जाता है सर। नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होता है? नंबर ऑफ नहीं, इन कंपोनेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट इनवेरिएबल इनवेरिएबल होता है सर। इंटेंसिव जैसे हाँ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ हाँ इंटेंसिव सॉरी, वेरिएबल्स दैट इज टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट। प्रेशर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पर टू होना चाहिए या वन होना चाहिए? एक्चुअली सर ये वेरी करता है, जैसे कि अगर मेरा प्रेशर और टेम्परेचर में, अगर प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहे एटमॉस्फेरिक लेंगे, इन दैट केस ये प्लस वन रहेगा सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसी में फेस को आप कैसे डिफाइन करोगे? सर फेज डिफाइन किया जा सकता है फिजिकल कंडीशन से सर, डिफाइन करेगा फिजिकल कंडीशन से सर हम फेज को डिफाइन किया। फेज मतलब सर फिजिकली डिस्टिंक्स, मैकेनिकली सेपरेबल और केमिकली होमोजेनियस कंपाउंड। ओके ओके, लेट्स सपोज यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड शुगर। यस सो नाउ टेल मी हाउ मेनी फेजेस आर एग्जिस्ट। एक्चुअली ग्लास ऑफ वाटर और शुगर, तो सर जब हम सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे तो एक ग्लास जो वाटर होगा वो एक फेज एक लिक्विड फेज में होगा और जो शुगर होगा वो सॉलिड फेज में होगा। तो यहाँ तो दो फेज हुआ, बट जब वो दोनों एक सॉल्यूशन में बन जाएंगे तो सर वो एक फेज में एक एक में हो जाएंगे, एक फेज में एक फेज कन्वर्ट। में हो गया। ओके, और एक ग्लास ऑफ वाटर एंड आइस, इसमें कितने फेजेस होंगे? सर अगर अलग अलग हैं तो दो होंगे, अगर दोनों वाटर और आइस है ना? मैकेनिकली सेपरेबल, ये तो सेपरेबल नहीं है सर। नहीं सर, ये आई थिंक दो होना चाहिए सर। दो होना चाहिए। आइस को तो आप सेपरेट कर सकते हो ना मैकेनिकली, छन्नी से छान लो, मिल जाएगा आइस अलग, बट वाटर अलग। अगर मेल्ट हो जाएगा सर तो फिर कैसे हो सर? तो मैंने कहा कि मेल्ट हो रहा है, मैंने कहा नहीं मेल्ट हो रहा है। अच्छा ओके 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 सर, ठीक है। ओके ओके ओके, अच्छा केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या होते हैं? सी यहाँ पे कॉम्पोजिशन को बताता है ना, नंबर ऑफ कॉम्पोजिशन। क्या नंबर ऑफ होता है कॉम्पोजिशन? कंपोजिशन, यहाँ नंबर ऑफ कंपोजिशन सर है, जैसे कि अगर मेरा एयर ले रहा हूँ मैं, एयर में नंबर ऑफ इसमें जो कंपोनेंट कितने हैं, जैसे कि हाइड्रोजन भी रहता है सर, नाइट्रोजन भी रहता है, तो ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन भी रहता है, ये सब सर नंबर ऑफ कंपोनेंट बोला जाता है। अच्छा, तो अगर आइस एंड वाटर का मिक्सचर, उसमें कितने कॉम्पोजिशन होंगे? सर ये तो H2O है ना सर, तो सिंगल ही कंपोनेंट है। ब्राइन अच्छा, ब्राइन सोल्यूशन है तो सोल्यूशन मतलब सर सॉल्ट और वाटर उसमें वाटर और है। हाँ वाटर और सॉल्ट सर, इसमें भी आई थिंक एक ही होना, अगर दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो जाएंगे सॉल्यूशन सर एक ही होगा आई थिंक इसमें भी। एक ही होगा कि दो होंगे? अच्छा, 2 मिनट में नंबर ऑफ कंपोनेंट वाल्टर, हाँ सर दो, सॉरी दो होंगे क्योंकि इसमें NaCl और H2O हो जा रहा दो सर। कंपोजिशन होंगे। ठीक है। हाँ ठीक है सर, NaCl सॉरी थोड़ा सोचना। अच्छा ठीक है। अच्छा, आयरन कार्बन डायग्राम में कार्बन की सोलिबिलिटी मैक्सिमम 6.67 सो की जाती है, यस सर, इससे ज्यादा नहीं ना? क्यों? सर एक्चुअली होता ही है ना कि जो अगर हम इससे ज्यादा कार्बन को ऐड करते हैं तो
आपकी आवाज नहीं आ रही, यू आर नॉट ऑडिबल। बोलिए। हाँ बोलो सुजन, हेलो, आवाज नहीं आ रही थी आपकी, फिर पॉज हो गया, सॉरी अनम्यूट करो। हेलो, अनम्यूट योर सेल्फ। सर सॉरी सर सॉरी सॉरी सर, एक्चुअली वो थोड़ा दिक्कत थी इसलिए। हाँ सर, शुरू से बोलूँ। हाँ जो 6.67% से ज़्यादा करते हैं कार्बन कार्बन को ऐड करते हैं, तो वो ग्रेफाइट फ्री फ्लैक्स में वो फ्लोट करने लगता है, इंटरस्टियल वर्ल्ड में ना जाके वो फ्लोट करने लगता है इसकी वजह से। और जो हमारा वो ग्रेफाइट में बन जाता है तो ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है, हार्ड रहता है, तो उसका यूज़ नहीं किया जा सकता इसकी वजह से सर। 6.67 ही क्यों किया गया ऐड? मैक्सिमम मैक्सिमम 6.67 ही क्यों ऐड किया गया? इससे ज्यादा क्यों नहीं? इससे कम भी तो हो सकता था या इससे ज्यादा भी हो सकता था? लिमिट 6.67 ही क्यों आई? अच्छा परलाइट क्या होता है? छोड़ो, सर सर परलाइट क्या होता है? ये फेराइट, अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट, इन दोनों का कंपोजिशन होता है सर। परलाइट अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर होता है, मतलब दोनों फेज। एक्चुअली अच्छा तो ये एस्टोनाइट परलाइट सर, में कितनी फेजेस होंगी ये बताओ, नंबर ऑफ फेजेस कितनी है? अच्छा सॉलिड सॉलिड है ना, दोनों सॉलिड है, तो नंबर ऑफ फेजेस जैसे कि एक ही होगा सर आई थिंक, क्योंकि दो फेज हो गया अभी सॉलिड तो कहा आपने ना, फेराइट और सीमेंटाइट दो अलग फेजेस है, अभी कह रहे हो फिर कह रहे हो एक होगा सर। फेज मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, तो सर जो अल्फा फेराइट सॉलिड रहता लिक्विड है, गैस वैसे फेज को डिफाइन नहीं करते। नहीं हाँ सर सॉलिड वो गैस एक्चुअली लिक्विड ये क्या है? दिस इज स्टेट ऑफ द सिस्टम। सॉरी सर। तो यहाँ पे आपके परलाइट में सीमेंटाइट और फेराइट दो अलग अलग फेज एग्जिस्ट करती, को एग्जिस्टेंस रहता उनका। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाँ फेजेस कितनी हुए? दो। अच्छा यूटेक्टिक पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, निकाल के बताओ। क्यों डिग्री ऑफ फ्रीडम सर 0 होता है ना बताओ? सर, पी प्लस ए फिजिकल टू सी प्लस टू सर। सी प्लस टू। नंबर ओके तो यहाँ पे पी कितनी है बताओ, कौन ऑफ फेजेज यहाँ पे 3 है सर। एक्चुअली कौन से? इसमें सर जैसे कि मैं एक तो अल्फा आयरन है, लिक्विड लिक्विड गामा आयरन है सर, गामा गामा आयरन। लिक्विड हाँ है सॉलिड है? सर 2 मिनट सर, सर डेल्टा आयरन जो होता है सर, अच्छा मैंने कहाँ पूछा आपसे, यू टेक्टोइड पॉइंट पे? यूटेक्टोइड पॉइंट पे सॉरी, तो सर वहाँ पे होता है, वहाँ पे भी सर जो इनवेरिएंट रिएक्शन हुआ वहाँ सारे पे 0 होता है, यहाँ पे वही सर गामा क्यों, कैसे जीरो है बताओ, और फेज बताओ कितनी है वहां पे। यहाँ पे गामा गामा एस्टेनाइट 1 है सर, और अल्फा फेराइट हुआ सर 1, 2, और सीमेंटाइट हुआ 1, तो ये 3 हुआ सर। और केमिकल कंपोजिशन कितने हैं? केमिकल कंपोनिशन सर ये हो जाएंगे आपके सर, केमिकल कंपोजिशन में Fe और 3C। हाँ तो सर दो 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 सर यहाँ पे सर, एक्चुअली इसमें होता है ना कि जो हमारा प्रेशर होता है इसको हम जो हमारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है वो सर 1 होता है, C+1 होता है, और जो कंपोनेंट वो दो रहते हैं आयरन और कार्बन रहता है, तो उस केस इस केस में सर फेज हमारा 3 हुआ, कंपोनेंट 2 हुए और प्लस 1 हुआ, इस केस में सर 3 एफ की वैल्यू जो होती है वो 0 आ जाती है। दिखाओ सर। नहीं समझ गया, ठीक है। तो P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस वन होता है, मेटलर्जी में हमेशा ये यूज करते हैं फॉर्मूला, ठीक हाँ है। सर वो एक्चुअली हो गया क्योंकि प्रेशर को हम कांस्टेंट लेते हैं, जब मैंने अभी डायग्राम बनाया सर ना तो फिर मुझे रिकॉल हुआ है ये C+1 लेते हैं इसको। अच्छा हाइपर कहेंगे हम, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन वाले जोन में
हाइपर रोटेक्टिक कास्ट रेंजोल में, ठीक है, कौन कौन सी हाँ फेजेस एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर? एट रूम टेम्परेचर जैसे वहां तो आई थिंक सर सीमेंटाइट ही रहता है सर, और सीमेंटाइट रहता है सर, और उसके ऊपर अगर अगर 1147 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जाए तो वहाँ लेडोबराइट रहता है सर, आई थिंक जहाँ तक मुझे। बोलो, कौन कौन से फेरियस होते हैं? सर एक सीमेंटाइट रहेगा सर, और 1147 डिग्री सेल्सियस चले नहीं, मैं लेडोबराइट रूम आपने टेम्परेचर में कह रहा हूँ, आई थिंक सीमेंटाइट रहना चाहिए। बस ओनली सीमेंटाइट। ग्रेफाइट भी हो सकता है क्या? मे बी सर, आई कैन गेस, आई थिंक ग्रेफाइट भी हो सकता परलाइट प्लस सीमेंटाइट, है, परलाइट प्लस सीमेंटाइट। पॉइंट एट हाँ थ्री परसेंट कार्बन के बियॉन्ड दूसरी जगह कहीं भी जाओगे तो वहां आपको क्या मिलने वाला है? फिर हाइपर यूटेक्टाइड स्टील पूछा है आपने, अच्छा हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, तो वहां पे तो तो सर परलाइट अच्छा 0.83 के बाद सब जगह परलाइट मिलेगा, ठीक है, और परलाइट और वहां पे डोमिनेंट्स में क्या रहता है? सीमेंटाइट, तो परलाइट प्लस सीमेंटाइट दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ठीक चलो सज्जन, सो नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड योर इंटरव्यू। है आयरन कार्बन डायग्राम को बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सर, ये 6.67 ही किया जाता है एक्चुअली। मैंने सर ये देखा था स्नैप में, देखो बट आई मास थिंक मैंने मास परसेंटेज ऑफ कार्बन को अगर निकालोगे तो मास ऑफ कार्बन क्या होगा? कार्बन कितने यहाँ पे देखो, Fe3C में, सीमेंटाइड में कंबाइंड फॉर्म क्या होता है? Fe3C होता है, तो कार्बन का मास कितना हो गया एटॉमिक वेट? 12। पीछे बात रहा हूँ। आयरन का 56 × 3 Fe3 है ना, प्लस हाँ 12, तो 12 / 56 × 3 + 12 कर दो, जब इसको सॉल्व अच्छा करोगे तो आएगा कितना? 12/180, 180 × 100 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, 6.67% आ जाएगा। एक्चुअली आपने उसमें भी बना बताया नहीं था उस वाले स्नैप में, मैं आपने पूछा था बट उस दिन मैंने सोचा कि ठीक है चेक करूंगा, फिर मैं भूल गया। चेक किया करो, चलो ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। और सर और कैसे, हाँ और कुछ बोलो। सर तैयारी, और कुछ तैयारी करनी है सर, मतलब इसमें और क्या क्या नेक्स्ट तैयारी? टाइम हीट ट्रीटमेंट पढ़ गया ना, हीट ट्रीटमेंट और ट्रिपल टी डायग्राम, केस हार्डनिंग, ठीक है पढ़ा ठीक तो है है सर, कोई ना। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, चलो ठीक ऑल है द सर। बेस्ट।